Welcome to SSV Institute of Veterinary Pharmacists Sundar Nagar HP. Admission open for batch 2020-2021. Online application are invited. 100% job placement in government and PBT sector. Call for more information 9817038005 and 9816706532. Hurry up, limited seat. Best institute in Himachal Pradesh. Girls hostel facilities available. मिनी पंजाब के नाम से मशहूर बल्ल घाटी के किसान नेता युद्धचंद सकलानी 95 वर्ष की उम्र में भी जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। नेरचौक नगर परिषद से ग्रामीण क्षेत्रों को बाहर करने की प्रक्रिया को लेकर जब शहरी विकास विभाग का प्रस्ताव आया तो उनके और आसपास के गाँव के लोगों ने नागचला में खूब जश्न मनाया। बैंड बाजे के बीच लोगों ने युद्धचंद सकलानी के सम्मान के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया और फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। उनके सम्मान में कई लोगों ने अपने विचार रखे। युद्धचंद सकलानी पिछले कई सालों से हिमाचल किसान यूनियन के बैनर तले किसानों के हितों से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं। 5 साल पहले नेरचौक नगर परिषद बनी तो नागचला को इसमें शामिल करने पर युद्धचंद सकलानी ने विरोध का झंडा उठा लिया और अब तक वह अपने क्षेत्र को नेरचौक नगर परिषद से बाहर करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। राणा ग्राम बाजार से अपने माननीय युद्धचंद सकलानी जी और डीसीपी जी आबा जमाल जी और माननीय विधायक हमारे श्री इंद्र सिंह गांधी का धन्यवाद करता हूँ जो जिन्होंने हमें नगर परिषद से बाहर निकाल कर पंचायत में डाला। इसे तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। बहुत आभार करती हूँ जिन्होंने हमारे पूरे गांव को नगर पंचायत से निकाल कर ग्राम पंचायत में कवरेज करवाया और हमारे सभी गांववासियों का मार्गदर्शन करके हम सबको एकत्र करके आज हमें दोबारा पंचायत में परिवर्तित किया। इसलिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और इसके लिए जो हमारे विधायक जी ने भी दिन रात मेहनत की उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमने जो 5 साल से नष्ट किया सब गांव वासियों ने श्री सकलानी साहब के नेतृत्व में हम आज इसमें कामयाब हुए। हम अपनी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो जिन्होंने हमें इससे बाहर निकाला। इसके अलावा हम अपने एमएलए साहब का भी बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारा पूरा समर्थन दिया। नोटिफिकेशन हो चुकी है और नगर परिषद से जो हमारे ग्रामीण इलाके थे उनको बाहर करने की जो एक मुहिम जो चलाई गई है उसके लिए हम अपने जो है विधायक साहब का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आज हमें पूरी हमारी जो नागचला पंचायत है इस बात से बहुत खुश है कि हम लोग नगर परिषद से निकाल जाने के बाद और पंचायत में आएंगे। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जब 2014-15 में अचानक पता लगा कि हमारा गांव और बाकी गांव भी है इनको बगैर पूछे गए नहीं बगैर कि पंचायतों का प्रस्ताव लिए और बगैर लोगों की सहमति लिए बगैर पूछे गए नहीं वैसे ही डिक्टेटरशिप से भेड़ बकरियों की तरह उसको हमको समझ कर उसको नगर परिषद में डाल दिया। तो उसका बड़ा भारी क्रोध हुआ बहुत गुस्सा आया कि जहाँ महात्मा गांधी ने जो सरकार बनाने का संकल्प लिया था वो ये था कि लोगों की बेहतर के लिए हो और उनका सबसे ज़्यादा मुद्दा ये था महात्मा गांधी का कि किसान मजदूर पशुपालक गरीब जो भी हैं ये ग्राम पंचायतों में रहकर ही सुखी रह सकते हैं। इनका जो उत्थान है विकास है वो केवल ग्राम पंचायतों में रहकर हो सकता है बाकी तो इस मुद्दे को जो है इस मुद्दे को लेकर जो है हमें याद आया तो फिर संघर्ष शुरू किया हमने। मैं इस उम्र में भी उठ खड़ा हुआ और जो हमारे ये बेचारे रामपाल जी नानक चंद और इंदर सिंह उसका क्या नाम है संजू ये गाड़ी लेके ऊपर घर आते थे। मेरी टांगे नहीं चलती थी गाड़ी लेके घर आते थे जा भी जाते थे ले भी जाते थे तो बड़ा हमने संघर्ष किया नेर चौक में वो इसी क्रोध में कि हमें बगैर पूछे हुए क्यों डाल दिया गया हमारा क्या अधिकार नहीं था अपनी बात रखने का
या अपने जो अधिकारों को सुरक्षित रखने का, इसलिए हमने संघर्ष किया उसके विरुद्ध और उसमें लगातार हम लगे रहे। अब भी अभी भी संघर्ष पे ही हैं। और फिर जब भाजपा पार्टी ने हमें वादा दिया तो उसका हमने पूर्ण रूप से साथ दिया कि करेंगे। पहले मैंने का वादा दिया था तो उसको हमने इनका वादा समझकर सारा जो एटमॉस्फेयर था वो बदला। और